मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। एक पुरानी कहानी है जो दस्तावेजी है, कल्पना की नहीं है। एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल कूट, वो हैदर अली से लड़ा, हैदर अली ने उसको परास्त किया, परास्त करने के बाद उसकी नाक काट दिया, क्योंकि हमारे राजा ज्यादा से ज्यादा यही करते थे, गला नहीं काटते थे, नाक काट दिया, कान काट दिया। क्यों? क्योंकि नाक कटना ही बहुत बड़ी बदनामी होती थी, तो नाक काट दिया उसका। कटी हुई नाक लेके वो भागा, कर्नल कूट। वो खुद अपनी डायरी में लिख रहा है कि जब मैं युद्ध में हार गया, हैदर अली ने मुझे नाक काट दी, हाथ में लेकर मैं भागा, और हैदर अली की सीमा खत्म हुई मैसूर राज्य की, तो बेलगाम नाम का एक गांव आया, वहां पर एक वैद्य ने मेरी सर्जरी की, 21 दिन मुझे अपने घर में रखा, सर्जरी करके लेपन लगाया, मेरी नाक जोड़ दिया, और आज मैं पार्लियामेंट के सामने कह रहा हूं कि भारत के वैद्यों को इतना ज्ञान है, वो ये सब कर सकते हैं, इसलिए हमें भारत में अपने लोगों को भेजकर यह विद्या सीखनी चाहिए। यह उसका भाषण है हाउस ऑफ कॉमंस। तो कर्नल कूट के इस भाषण को सुनने के बाद अंग्रेजी सरकार ने तय किया, चलो कुछ लोगों को भेजो। तो अंग्रेज आए, उन्होंने यहां सर्जरी सीखना शुरू किया, और जो अंग्रेजों ने सर्जरी सीखा है वो लिख रहे हैं कि जो जातियां भारत में सर्जरी में मास्टर थी वो सब नाई थे। नहीं समझते, बाल काटने वाले, ये सब सर्जन थे 200 साल पहले। हाँ, सब सर्जन थे 200 साल। अब जरा सोचो कि नाई अगर सर्जन रहे हो तो वो पिछड़ी जाति कैसे हुई। अंग्रेजों ने उनको 1881 के सर्वे में पिछड़ी जाति घोषित किया, उसके पहले इस देश में नाई कभी भी पिछड़ी जाति में नहीं थे। 1881 में सेंसस हुआ सबसे पहला, और आज तक वो चल रहा है, हर 10 साल में होता है जनसंख्या का गणना। अंग्रेजों ने पहली गणना में नाइयों को पिछड़ा वर्ग में डाल दिया, और एक अंग्रेज कहता है कि ये अच्छा ही है, क्योंकि ये विद्या में इतने ऊंचे हैं, अगर इनको नीचे नहीं लाओगे ये गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और आज हमारी सरकार भी उनको पिछड़ा ही कहती है। उनके हाथ में इतना हुनर है, उंगलियों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, वो आप देखते हैं ना बाल काटते समय, वो गर्दन भी काट सकते हैं, सोचो ना। और इतनी सफाई से उस तरह चलाते हैं, उसी उस तरह से वो किसी ट्यूमर को भी काट के निकाल सकते हैं। ये सब बहुत बड़े सर्जन रहे। और आज से 200 साल पहले के दस्तावेज बताते हैं कि कांगड़ा और उसके आसपास, कुर्ग और उसके आसपास, मैसूर और उसके आसपास जितने सर्जरी सिखाने वाले केंद्र थे, उन सब के आचार्य नाई ही थे जातियों, ये सब सर्जन थे। और इन्होंने जो सर्जरी सिखाई है वो हिंदुस्तान के गांव गांव फैलाई। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो सर्जरी सिखाने वाले केंद्र थे इन सबको गैर कानूनी घोषित कर दिया, एक कानून बनाया जिसका दुर्भाग्य से नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। उसमें इंडियन कुछ भी नहीं है, नाम उसका इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस कानून में उन्होंने यह तय किया कि भारतीय विद्याओं को सिखाने वाले जितने भी केंद्र हैं वो सब गैर कानूनी, तो उन पे ताले डलवाए गए, नहीं डाले तो मरवाया गया, उनको आग लगवाई गई, कितने लोगों को जिंदा जला दिया। वो कहानी सुने तो आपकी आंखों से आंसू निकल आए, ये अत्याचार 100 साल हुआ उसमें ये विद्या खत्म हो गई। और फिर बेईमान अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से सर्जरी सीखा और उनके अपने रिकॉर्ड्स में वो सब है, हिंदुस्तान को ये बताया कि देखो हम तुम्हें वापस सिखा रहे हैं, और यहां से सर्जरी सीखकर जो डॉक्टर बने लंदन में, उन्होंने फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें डिग्री लेने के लिए आज हमारे डॉक्टर जा रहे हैं, और उस प्रमाण पत्र को लाके दरवाजे पे बड़ा टांगते हैं, मैं देखो FRS, उसमें शहद लगा के चाटो तो विटामिन सी भी ना मिले।